जय हिंद। और मेरा नाम है ललित खत्री और आप देख रहे हैं राजस्थान में तेजी से बढ़ता MTTV इंडिया। और आज बात इसरो के व्योम मित्र की, इस साल के अंत में होने वाले गगनयान की शुरुआत के मद्देनजर। मायरा फैशंस, एन एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ डिजाइनर कलेक्शन, स्वामी कॉम्प्लेक्स एंड वेगा मॉल, अजमेर। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो पहले मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम गगनयान मिशन को दिसंबर 2021 में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसरो की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पहले तो 2 मानव रहित मिशन अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे, जिसके तहत इसरो अपना पहला मिशन इसी साल दिसंबर में भेजेगा। इसरो अंतरिक्ष की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट को भेजेगा, जिसका नाम रखा गया है व्योम मित्र। इस ह्यूमनॉइड रोबोट में मानव शरीर से संबंधित कुछ मशीनें लगाई गई हैं, जो अंतरिक्ष में मानव शरीर पर किस तरह का असर पड़ता है इसका पता लगाएगी और वैज्ञानिक इस पर अध्ययन करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार गगनयान मिशन में किसी भी महिला को नहीं भेजा जा रहा, इसलिए इस ह्यूमनॉइड रोबोट को एक महिला के रूप में भेजा जा रहा है। इसरो के ही एक वैज्ञानिक के अनुसार यह रोबोट एक मानव की तरह कार्य करेगा और हमें वापस रिपोर्ट भेजेगा। फिलहाल इसे एक प्रयोग के रूप में किया जा रहा है। आपको बता दें कि व्योम मित्र कई सारे कार्यों को करने में सक्षम है, साथ ही ये 2 भाषाएं भी बोल सकता है। इसरो प्रमुख के सिवन ने पिछले साल कहा था कि यह रोबोट पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा था कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह मिशन मनुष्यों को भेजने और उन्हें सुरक्षित वापस लाने की हमारी क्षमता को प्रदर्शित करने से परे कई उद्देश्यों को पूरा करें। इसरो प्रमुख के अनुसार वास्तविक रूप से भेजे जाने वाले गगनयान मिशन से पहले होने वाले 2 मानव रहित उड़ानों में इस रोबोट को भेजा जाएगा। रोबोट एक मानव की तरह होगा, जो एक मानव की तरह लगभग सभी कार्यों को करने में सक्षम होगा। हालांकि यह कार्यों को इंसानों की तरह बड़े पैमाने पर नहीं कर सकता। इसरो प्रमुख डॉक्टर के सिवन के अनुसार इस मिशन के लिए इंडियन एयरफोर्स के 4 जवान चुने गए हैं। अब इन्हें ट्रेनिंग के लिए रूस भेजा जाएगा और इन 4 जवानों की ट्रेनिंग रूस में इसी सप्ताह शुरू हो जाएगी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो MTTV इंडिया के पेज को फॉलो करें, और अगर ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो वहां सब्सक्राइब करें। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर सिंह के साथ मैं ललित खत्री। The prototype of the half humanoid being made for the first unmanned Gaganyaan mission. I can monitor crew module parameters, alert you and perform life support operations. I can mimic all crew activities like switch panel operations, ECLSS functions, etc. I can also be your companion, can converse with the astronauts, recognize them, and can also respond to their queries.